हे गाइस, दिस इज कॉफी एंड यू आर वाचिंग द कॉफी टॉक शो। आज के जो गेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है, बिकॉज मैं आज मिल रहा हूँ वन एंड ओनली मिस्टर सुशील जाधव, जो हम मेरे बहुत ही पुराने दोस्त है और बिलोंग करते हैं बड़ौदा से। बहुत ही अमेजिंग कोरियोग्राफर है। इनकी क्रिएटिविटी का अगर मैं बात करूँ तो गाइस, इसका कुछ अलग ही लेवल है, बिकॉज बहुत सालों से ये क्रिएटिविटी में मास्टर रह चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं सुशील जाधव फ्रॉम बड़ौदा। तो पहले तो आपका स्वागत है सुशील भाई, आप कैसे हो? थैंक यू, बस एकदम बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं तो ऑल गुड। मैंने आपकी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत जर्नी मैंने आपकी देखी हुई है, तो मुझे बताइए कि आपकी जर्नी जो है, आप बचपन से आपने डांसिंग कैसे मतलब डांसिंग में कैसे आए और किस तरह आपकी जर्नी रही, इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। मैंने काफी जब छोटा था मतलब तभी मैंने शुरू किया था। एक्चुअल मेरे आजू बाजू में मतलब एक दो मतलब मैं पुलिस लाइन में रहता था, तो वहां पर एक दो पुलिस वाले ऐसे थे जो मतलब पहले से डांस करते थे बेसिक, और उस टाइम पे चलता था ब्रेक डांस, तो वो लोग करते थे, तो उनको देख के मैं एकदम से इंस्पायर हो गया। फिर उनके साथ में ज्वाइन हो गया कि सर मेरे को भी करना है, तो फिर वही अपना गणपति से स्टार्ट किया। गणपति में छोटे छोटे शोज करते थे जब छोटे थे, देन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे थोड़ा और अच्छा करना है। देन मैंने फर्स्ट सोलो परफॉर्मेंस किया 2000 में, जब मेला मूवी आया था तो उसमें वो गाना था, देखो 2000 जमाना आ गया, तो वो वहां से मेरा जर्नी एकदम परफेक्टली स्टार्ट हो गया। देन बस फिर 2000 से लेके धीरे 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 ब्रेक डांस से शुरू करते करते, वेस्टर्न से करते करते, बॉलीवुड करते करते, देन मेरा मेन बेसिक हुआ फोक। मैं फोक में पहले रेडी हुआ, देन ये सब में धीरे 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 ट्रेन हुआ, देन धीरे धीरे करते करते हिप हॉप, टेक्नो, टेटिंग, हाउस, क्रम, एंड अभी फिलहाल मेरा इलेक्ट्रो चल रहा है। तो मतलब अपने आप को मैं चेंज करते 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 इतने साल मैंने डांस में ऑलमोस्ट 20 इयर्स निकाल लिए। ओके, सो सुशील भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने अलग-अलग रियलिटी शो में बहुत सारे लोगों को सिखाया हुआ है आपने, जैसे आप मुंबई में आप जाते हो तो बहुत सारे रियलिटी शो में कोरियोग्राफ कर चुके हो, तो उसकी जर्नी बताइए, आप कैसे, किस तरह आपकी आपके और एक पार्टनर है राज सोनी करके, राजू आप हाँ दोनों एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हो, तो आपकी जो एकेडमी है बड़ौदा में बहुत ही अमेजिंग काम करती है, तो इसके बारे में बताइए। शुरू में तो ऐसा था कि मतलब बड़ौदा में गिन के एक दो एकेडमी थी, तो हमारी फर्स्ट मतलब हम लोग एकेडमी में एक फुलमा डांस एकेडमी करके वहां पर हमको ज्वाइन हुए हम लोग। तो वहां पर हमारे पास पैसे थे नहीं, तो मेरे जो गुरु है संदीप परदेसी सर, उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी कि नहीं तेरे में टैलेंट है तो तू फीस पे नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं तू सीख मेरे पास, कोई बात नहीं। ऐसा वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। देन वहां से फिर अगेन बहुत सारे लोग थे, तो सबने अपना अपना एक क्रू बनाया, तो हम लोग एक कुछ मतलब प्रॉब्लम्स के वजह से सर ने क्लासेस बंद कर दिए। देन सर ने मुझे किसी और के ग्रुप में भेजना शुरू कर दिया कि तू यहाँ पे जाके रिहर्सल कर। देन मेरी वैसे ही मतलब वो हमारे ग्रुप के ही थे, तो वैसे मेरी मुलाकात हुई विक्रम राजपूत सर से, आप शायद जानते होंगे विक्रम सर को। देन उनके थ्रू मुझे मतलब वहां पर हम लोग डांसिंग वगैरह करते थे। तो बड़ोड़ा से एक है श्रीकांत आयरे, जो कि बहुत बड़ा नाम है, वादे हाँ, आई तो नो आई वो नो। बड़ोड़ा से ही है। हाँ, तो वो वहां पर एक्चुअली एक विजिट के लिए आए थे। देन उन्होंने देखा कि मतलब हम दो है, राज और मैं, हम लोग 15-16 साल से साथ में, तो उन्होंने देखा कि मतलब ये दो बंदे कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, इनके स्टेप्स कुछ अलग है, ये कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं, तो उन्होंने हमको सीधा कॉल किया एक दिन कि आप लोग अगर मेरे साथ मतलब काम करना चाहते हो तो हमने क्रेजी कैरे वगैरह जब चलता था, आई थिंक डीआईडी के भी पहले क्रेजी बराबर कैरे वन, तो हाँ, तो तब हमको मतलब सर ने बोला कि आप आओ और ये सब ऐसे सब करो। एंड मैं बोला ठीक है सर, हमको तो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, और सर जैसे बड़ौदा के थे एंड प्लस मराठी भी थे, तो सर मतलब काफी सपोर्ट करते थे। और धीरे धीरे वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ, सर के साथ आज भी है हम लोग, आज भी आप देखते होंगे सर के साथ हमारे वीडियोस रहते हैं, तो काफी पुराना मतलब हमारा रिश्ता है सर के साथ भी, वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ। देन धीरे 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 सर ने हमको इंडियाज गॉट टैलेंट में इल्यूमिनेट, आपने देखे होंगे जितने भी इल्यूमिनेट ग्रुप हर साल आते हैं वो हमारे ही होते हैं, हम लोग नाम चेंज कर करके ग्रुप के हर साल आते हैं, तो इंडियाज गॉट रिप्रेजेंट टैलेंट सीजन
जी हाँ, और हम लोग इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 से कर रहे थे, देन धीरे धीरे हम लोग ने काफी रियलिटी शोज में श्रीकांत सर एज अ बैक कोरियोग्राफर थे, तो उनके असिस्ट में बराबर हम लोग ने काफी उनको एज अ काम हेल्प वगैरह करके सीखा किया, उनसे हम लोग ने बैक बैक स्टेज। बिल्कुल काम किया तो नहीं बोल सकते, बस हमने काम सीखा उनसे स्टेज और धीरे धीरे वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। इनिशियल स्टेज में तो क्या होता था, इनिशियल स्टेज में हम लोग को मतलब मुझे तो पहले से आदत है कि मैं हर बार अपने आप को अलग प्रेजेंट करूं, बट फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हमारा एनवायरमेंट भी ऐसा होना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे होने चाहिए जो हमको हर चीज में मतलब पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी में सपोर्ट करे। अरे ऐसे नहीं ऐसे कर दे, चाहे वो गलत क्यों ना हो जाए, आप हम लोग कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो सही होगा, हम 10 चीज क्रिएट करेंगे तब जाके एक अच्छा बनेगा, तो 10 क्रिएट तो करना पड़ेगा ना, तो हमारे फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब अच्छा था, फिर धीरे धीरे सब सर्कल छूट गए, किसी ने कितने लोगों ने डांसेस छोड़ दिए, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार अब मैं अकेला हो रहा हूँ एंड मेरे स्टूडेंट्स लोग इतने क्रिएटिव नहीं है या इतने वो नहीं है कि जो उनसे मैं कुछ सीख पा रहा हूँ, ऐसा मतलब मैं कुछ उनको बता रहा हूँ लेकिन उनको वो चीज का नॉलेज ही नहीं है। अगर मैं उनको बोल रहा हूँ कि कुछ एलईडी एक्ट करना है हमें, उनको मैं अगर पूछ रहा हूँ कि किस रेशियो में बनाए, तो उनको वो चीज का नॉलेज ही नहीं है, तो फिर मतलब मैं काफी अटक रहा था। देन फाइनली मुझे ऐसा लगा कि हमको अगर कुछ क्रिएटिव बनना है तो हमको खुद से ही करना पड़ेगा और खुद ही पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमको एनवायरनमेंट छोड़ देना पड़ेगा, जो भी कुछ काम करना है हमको खुद को करना है और खुद ही ट्रायल एंड एरर खुद को करके ही उसको इम्प्लीमेंट करके ही, चाहे अच्छा हो या खराब बट खुद से ही कुछ क्रिएट करो एंड खुद ही रखो। तो सबसे बड़े उसमें जैसे सभी को पता है यूट्यूब, तो मैं हर बार यूट्यूब देखता हूँ, ढूंढता हूँ, सर्फिंग करता हूँ, सर्च करता हूँ, देन मुझे कुछ चीज अच्छी लगती है कि यार ये चीज अच्छी है, तो काफी उसके मैं ट्यूटर्स देखता हूँ, देन उस चीज का यूज मुझे कहाँ पर करना है और किस तरीके से करना है। जैसे कि आपने वीडियोस की बात की, तो किसी ने कुछ इफेक्ट ग्लिच इफेक्ट बनाना सीखा है किसी 3D डायमेंशन में, तो उसने रेड कलर में बनाया, तो हम उसको 3D डायमेंशन को चेंज करके 2D में करें और ब्लू करें, ग्रीन करें, तो वैसे उसको फिर हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। वैसे ही डांस में भी है कि किसी ने हमको एक स्टेप सिखा दिया लेकिन वो स्टेप को हम किस जगह पर और कहाँ रख रहे हैं, तो बस वैसे ही मैं अपने आप को फिर धीरे धीरे क्रिएट करते गए जा रहा हूँ तो और स्टेज मोस्टली पे अभी मैं क्रिएट करता मतलब हर आर्टिस्ट के पास सेम एनवायरनमेंट नहीं होता है कि वो क्रिएटिविटी सोचे या हूँ। वो हर चीज़ का मतलब कर यस पाए यस या सोच पाए। यस यस बट आपने एक अच्छी बात बोली कि अगर वैसा एनवायरनमेंट नहीं है तो जो भी चीज़ आपको करनी है वो खुद को ही करनी है, जो खुद को ही क्रिएटिविटी और अपडेट रखना है। यस सो यस हाँ, जो पॉसिबल है वो चीज़ करनी चाहिए। यस यस मैंने आप जिस तरह मतलब कि क्रिएटिविटी यस अगर देखी है तो इसके अंदर आपकी और एक चीज़ ऐड कर पता है मुझे कि आप बीट बॉक्सिंग भी करते हो, तो जी यस वो यस उसका यस कुछ एक झलक अगर हमारे ऑडियंस को मिले तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा ट्राई करूंगा, एक्चुअल थोड़ा कनेक्टिविटी और ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा कुछ बिट्स अगर मिलेगा ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक निश्चित, हाँ कोई बात नहीं। हाँ है, ओके ओके। You have listening top stab. Social signing out. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है सुशील भाई, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब साउंड क्वालिटी का बात कर रहे थे बट स्टिल मैं इधर मजा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इट्स अमेजिंग। सो क्या मतलब क्या इतनी चीजें कहाँ से आ जाती है कैसे सीख पाते हो? बस मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पास 24 आवर्स है और मैं 24 आवर्स में से जितना हो सके मैं एक भी मिनट लाइफ का वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो जो मन किया सीख ही लेता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही चीज में ध्यान दूँ, एक चीज से थक गया, क्योंकि एक ही चीज हम मतलब पूरा दिन नहीं कर सकते,
अगर मैं डांस करो तो पूरा दिन में डांस नहीं कर सकता हूँ, तो बराबर उसको मैं मतलब आवर्स में डिवाइड कर देता हूँ कि 3 आवर्स मैंने डांसिंग किया, अब 2 आवर्स फिर ये किया, 2 आवर्स वो किया, वैसे 2 आवर्स मैंने बीटबॉक्स किया, वैसे मैं अपने स्किल्स को जो डांस रिलेटेड है मेन मेरा फोकस है डांस, बट जो डांस रिलेटेड जो भी चीजें है वो मैं करते रहता हूँ, जिससे मतलब मेरे दिन का एक भी मिनट वेस्ट ना हो। वो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप कंटिन्यू बिजी रखते हो खुद को और चीजें सीखते रहते हो, सीखना कभी बंद नहीं होता है हर आर्टिस्ट, तो बहुत अमेजिंग है। तो मैं आपके आपको नेक्स्ट जो सवाल है मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे अभी पुराने जब डांस करते थे, पुराने जितने भी डांस होते और अभी के जो डांसर्स जो नए आ रहे कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्लैशेस नजर आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, ऑडियंस किस तरह मतलब चेंज हो गई अभी? देखो ऑडियंस तो ऑडियंस का तो मतलब ऐसा है कि मतलब जो ट्रेंड चल रहा है ऑडियंस को वो चाहिए। जैसे पहले के टाइम पर एग्जांपल दूं तो पहले हम लोग बैगी पहनते थे एंड बॉल बॉटम पैंट पहनते थे, अभी वो ट्रेंड नहीं है, नहीं है। अभी ट्रेंड शॉर्ट्स का जींस का है, तो अभी हम वो पहन रहे हैं। तो वैसे ही मतलब ट्रेंड चेंज होता है तो ऑडियंस चेंज होती है, वैसे हमको एज अ डांसर भी हमको सोचना पड़ता है कि जब हम पहले थे तो हम लोग पहले हम लोग जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं चार चार के स्टेप करते थे, आठ आठ के स्टेप करते थे, तो मतलब उस टाइम पे मारा रे ये दिल तुझ पे हारा रे, ओके, तो मतलब उस टाइम पे वैसी ऑडियंस थी एंड वैसा ट्रेंड था, देन चेंज होते 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 अभी न्यू स्कूल चल रहा है। तो मतलब क्लैशेज ये हो रहे हैं कि जो लोग पुराना सोच रहे थे वो कुछ लोग अपडेट नहीं हुए तो उनको वो लगता है कि वो ही चीज बेस्ट थी, और हाँ, और जो लोग नए लोग आ रहे हैं तो नए लोग को इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सिर्फ इतना सोचते कि नहीं जो अभी चल रहा है वो बेस्ट है, बट उनको ये नहीं पता कि जो अभी आए हैं वो आप भी कभी ना कभी पुराने होंगे, उनसे कुछ नया आएगा। तो कभी किसी हाँ तो कभी एक चीज पे मत रहिए, ट्रेंडिंग वाइज अपने आप को चेंज करते रहिए। एक होता है ना कि एक रियलिटी शो में अभी बहुत सारे, पहले ऐसा होता था कि हर आदमी को हर पर्सन को चांस रहता था एक रियलिटी शो में जाना, बट अभी बहुत सारे लोग हैं मेहनत करते हैं, बट अभी वो कहीं ना कहीं उसका जो क्रेज है रियलिटी शो का वो कम हो चुका है, पहले जितना था उतना अभी नहीं है। और जो एक सर्टन एज पे जो थे 25, 22, 23 साल के जो बच्चे थे वो ट्राई करते थे और रियलिटी शो में जाना चाहते थे, बट अभी जब छोटे बच्चों को देखते तो उनका कहीं ना कहीं उनका जो मोटिव है वो कम हो जाता है, यार मैं कैसे जाऊँ, अभी बच्चे तो मेरे से भी अच्छा डांस कर रहे हैं। तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे, क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि वो भी कर सकते हैं? अगर पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बच्चों की बात करूंगा, तो कभी भी मतलब आपका स्टार्ट कभी भी लेट नहीं होता, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, तो मतलब ऐसा मत ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चे भी ऐसा कर रहे तो मैं कब स्टार्ट करूंगा और मैं कब वैसा करूंगा, आप एटलीस्ट स्टार्ट करिए एंड उसमें आप सामने वाला क्या कर रहा है वो सिर्फ एज अ होमवर्क देखिए कि अच्छा अभी अपडेट में ये चल रहा है, उसको इस तरीके से मत देखिए कि मतलब ये यस इस लेवल का कर रहे हैं तो मैं इस लेवल का कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो मत सोचिए, आप उसे सिर्फ एज अ अपडेट देखिए। कोई भी अगर आप रियलिटी शो का डांस देखते हो तो उसे एज अ अपडेट देखिए कि अच्छा ये चल रहा है तो मुझे कितना होमवर्क करना है, अगर मुझे इस रियलिटी शो में जाना है तो अभी मैं उसका सीजन 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, जितने भी सीजन आए एंड उसको फिर अपने साथ कंपेयर करें कि मुझे अगर जाना है तो मुझे सीजन 1 से 3 तक जितना भी यार व्हाटएवर जितने भी सीजन आए हो उसमें जो भी चीज आई है मुझे उससे अच्छा करना है, तो उसके पीछे आप फिर मेहनत करिए। ये हो गई बच्चों की बात एंड यस जैसे आपने बड़ों का कहा तो बड़ों का भी मैंने देखा है कि बड़ों में भी मतलब ऐसा होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको बस देखना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए अपने आप के खुद के ऊपर, बट सही डायरेक्शन में। मैंने कितने जनों को देखा है मतलब कोई लोग सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे बट सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे, तुमको डायरेक्शन की जरूरत है। ओके, सो मुझे ये बताइए सुशील भाई,
अगर आपको क्रिएटिविटी, बहुत सारे लोगों की जो क्रिएटिविटी है सेम नहीं होती है, कोई बहुत अच्छा करता है, कोई यस कम यस करता है, यस 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 तो यस आप मुझे बताइए, शॉर्ट में आपको बताना है, अगर आपको तीन चीजें क्रिएटिविटी से रिलेटेड बतानी है एक डांसर को, जो न्यू कमर आते हैं, जो न्यू डांसर्स आते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या क्रिएटिविटी होनी चाहिए और किस तरह आपको वर्क करना है आपकी क्रिएटिविटी पे? अभी मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग जब मुझे वीडियोस भेजते हैं किसी रियलिटी शो में भेजने के लिए, तो बोलते कि मैं उनको तीन झामा, जो हम बोलते तीन झामा होना यस चाहिए यस उसके अंदर, यस या झामा, तीन चार झामा हाँ डाल दो तो हो जाएगा। झामा डाल दो, झामा हाँ, डाल दो, हाँ झामा जो वर्ड है अपना। तो मुझे ये बताइए कि हाँ आपके हिसाब से क्रिएटिविटी अगर डिफाइन किया जाए तीन वर्ड्स में, तो आप क्या करोगे, उन डांसर्स को सजेशन क्या दोगे? मतलब कि हम जो सोच रहे, जो भी क्रिएटिविटी हम लोग सोच रहे हैं उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैंने कुछ चीज सोच ली तो उसको मैं प्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ, एंड वो प्रेजेंट किया हुआ सामने जो भी ऑडियंस है या पब्लिक है या जज है या जहां पर आप ऑडिशन देने जा रहे हो वहां मेंटर है, उसको वो चीज कैसे दिख रही है, तो वो होता है क्रिएटिविटी। अगर मैंने कुछ चीज सोच ली तो मैंने मेरे माइंड में तो सोच लिया कि ऐसा ऐसा पिक्चराइजेशन ऐसा ऐसा दिखना चाहिए, मैंने बना भी दिया, मैंने प्रेजेंटेशन बना दिया कि मुझे मेरे डांस को ऐसे दिखाना है, मैंने एक डांस का फ्लो अप डाउन किधर क्या करना है मैंने बना दिया, लेकिन सामने वाले को तो डांस समझ में आ नहीं रहा, सामने वाले को मतलब थीम जैसे थीम होता है ना वैसे एक डांस समझ में बराबर, ही नहीं आ रहा उसको कि आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो शुरू शुरू में मेरे साथ भी काफी ऐसा होता था कि मैं जो सोचता हूँ वो अप्लाई भी करता हूँ लेकिन सामने वाले को वो दिखता नहीं, और वो पूरा ओके, हो जाने के बाद मुझे भी जब मैं देखता था तो मुझे भी बाद में रियलाइज होता था कि हाँ यार ये सही है कि ये वैसा दिख नहीं रहा है जैसा मैंने सोचा है, तो वो होता है काफी प्रॉब्लम्स, सो लेकिन आप बेसिकली प्रैक्टिस में थोड़ा मतलब जो ट्रायल भी एंड एरर। आप क्रिएटिविटी खुद के माइंड में है वो उसको रिप्रेजेंट हाँ करते टाइम सामने वाले को भी पसंद आएगा या क्या लगेगा, इसके बारे में भी यस, सोचना इम्पोर्टेंट है। आपको सोचना इंपॉर्टेंट है यस। एंड जैसे ओके, आपने बोला कि क्रिएटिविटी भी एज अ अभी डांसर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए क्रिएटिविटी में, तो एज अ डांसर सबसे पहला तो है वो है आपका सॉन्ग सिलेक्शन। मैंने काफी लोगों को देखा है कि सॉन्ग सिलेक्शन वो बहुत ही मतलब सही नहीं कर रहे, मतलब उनको या फिर गाइडेंस नहीं वॉट एवर, बट वो सॉन्ग सिलेक्शन सही नहीं कर रहे। हम लोग सॉन्ग सिलेक्ट करने में एक एक महीना लगा देते हैं, बराबर, आपको भी पता है, तो मतलब आप सॉन्ग सिलेक्शन आपका जोनर जो है आपका आपका जो डांस स्टाइल है कोई भी स्टाइल हो तो आप उसमें वो आपका सॉन्ग फिट हो रहा है कि नहीं, और सॉन्ग फिट होने के बाद वो सॉन्ग यूनिक है कि नहीं, तो सबसे पहला चीज तो आपको यही ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग आपने जैसे बोला झामा, तो झामा मीन्स के आपके कितने वाव फैक्टर्स है, तो मिनिमम आपके तीन वाव फैक्टर्स तो होने ही चाहिए अगर आप ऑडिशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। एक डांस में 110 और 120 मिनट के डांस में आपको तीन वाव फैक्टर्स चाहिए ही चाहिए जो देखे ना हो। बराबर। सो मतलब जब भी कोई डांस सेट करता है एक, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, सॉन्ग सिलेक्शन होना चाहिए। अभी यस मैंने जो रियलिटी शो का जो क्रिएटिविटी जो हम मतलब मैंने भी किए हुए दो तीन, तो उसमें ऐसा देखा यस हुआ है यस कि बहुत सारे रियलिटी शो में 4-5 दिन में ही उनके सॉन्ग्स फटाफट और दिन रात मेहनत करते हैं, तो जो बाहर के डांसर्स है जिन्होंने रियलिटी शो के अंदर चीज़ें देखी नहीं है, तो उनका क्या होता है कि उनको अगर 1 मंथ भी अगर प्रैक्टिस करना है तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस करते हैं, वो साल साल भर लॉन्ग में प्रोसेस लगे हो थे। जाता तो है। यस यस मैंने यस ऐसे देखा है कि लोग साल भर प्रैक्टिस करते हैं और फिर ऑडिशन के लिए जाते हैं यस 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 बराबर, तो यस यस वो प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही वीक होता है उनका, और वो खुद नहीं करते, यस मतलब यस एक फट जो यस यस जल्दी होना चाहिए हाँ सारी चीज़ें हाँ उसको साल भर ग्रास्पिंग, लगा मतलब देते। उसको ग्रास्पिंग पावर उसको बढ़ाना उसको जरूरी है उसी की स्टाइल में, चाहे वो ओके, दूसरा स्टाइल नहीं भी करता हो बट उसको खुद की स्टाइल में ग्रास्पिंग पावर बढ़ाना जरूरी है, और उसके लिए उसको हर एक अलग अलग कोरियोग्राफर्स या अलग अलग वर्कशॉप्स अटेंड करनी चाहिए, दूसरों का डांस उसको सीखना चाहिए क्विकली, बराबर, ये नहीं कि बस मैंने एक डांस ले लिया उसको महीना टीच रहा हूँ टीच रहा हूँ टीच रहा हूँ पॉलिश कर रहा हूँ और फिर जाके ऑडिशन दे रहा हूँ, तो वो ऑडिशन राउंड तो क्लियर हो जाएगा, फिर मुंबई राउंड में क्या, मुंबई राउंड में जाएगा गाला राउंड में जाएगा, तो सामने वाले वही देखते हैं कि मैं इसको सिखाऊंगा तो ये कितना कर पाएगा, मोस्टली मोस्टली जो तो डांसर्स है वो वहां पे ही फेल हो जाते हैं, यस कोरियोग्राफी यस पिक यस नहीं कर पाते। पिक नहीं कर पाते यस।
वो उनके स्टाइल बेस्ट करते हैं जो वो उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है, हाँ, लेकिन उनके ही स्टाइल में अगर मैं तुमको कुछ सिखा रहा हूँ तुम्हारी ही स्टाइल में, तो जो भी कोरियोग्राफर तुमको सिखा रहा है तुम्हारी ही स्टाइल में, अगर तुम एक घंटे या दो घंटे में तुम नहीं कर पा रहे हो, दैट्स मीन मतलब कि तुमको बहुत मेहनत की जरूरत है, तुम्हारा ग्रेस्पिंग लेवल बहुत कम है। तो मेन अगर आपका डांस हो भी जाता है क्लियर, तो आपको ग्रेस्पिंग पावर बढ़ाने की बहुत जरूरत है। ये भी एक पॉइंट है एज अ डांसर कि आपका ग्रेस्पिंग लेवल पावरफुल रखिए। वाह, व्हाट अमेजिंग नॉलेज आप जो दे रहे हो। डेफिनेटली जितने भी कोरियोग्राफर है, डांसर्स है, उनको सारी चीजों का इंफॉर्मेशन का बहुत फायदा होने वाला है। और सुशील भाई, इसी तरह आज का जो एपिसोड है मैं खत्म करता हूँ। बहुत सारे लोग इस वीडियो के बाद बहुत चीजें सीखने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच सुशील भाई हमारे शो में आने के लिए और बहुत सारी ढेर सारी बातें करने के लिए। तो थैंक यू सो मच अगेन। तो इसी तरह आज का जो एपिसोड है गाइज, अलविदा करता हूँ और मिलते हैं एक नए कलाकार और एक नए आर्टिस्ट के साथ और नए एक्सपीरियंस के साथ। तो टिल देन, बाय बाय।